फ्रेंड, कैसी रही आपकी 3 डे की हॉलीडेज? हाँ, मस्ती की आप लोगों ने, रक्षाबंधन मनाया, सब बहनों ने अपने भाइयों को कलाई में राखी बांधी कि नहीं बांधी, और भाइयों ने गिफ्ट दिए कि नहीं बच्चों को दिया ना? ठीक है, अब बहुत मस्ती हो गई, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चलो फिर स्टार्ट करती है पढ़ाई हम लोग की। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, हम थीम 3 से आज आपको डे 6 थीम 3 निकाली और डे 6 ओपन। अब सारे बच्चों ने बुक ओपन किया, थीम 3 से डे 6 ओपन करिए और हम पढ़ के बता रहे हैं आप लोगों को उसमें करना क्या है। कलर द सन विथ क्रेयॉन्स, मेक रेस विथ हैंड प्रिंट। आपको ये सन बनाना है, इसको कलर करना है और इसमें आपको रेस बनानी। मैंने आपको इस दिन बोर्ड पे बताया था ना, सन की रेस ऐसे ऐसे सब पूरा कलर करके दिखाया था ना वहाँ पर बोर्ड पे बना के, वैसे ही आपको सन की रेस बनानी है उसको हैंड प्रिंट से। ठीक है, आप अपने हैंड से प्रिंट से आप उसके सन की रेस ऐसे ऐसे करके आप बनाएंगे। ठीक है, आप अपने हाथ में किसी अलग पेज में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हाथ में कलर लगाइएगा और साइड साइड में इसके ऐसे ऐसे करके हैंड प्रिंट। समझ में आ गया आपको? कलर को सन करने के बाद हाथ में कलर लगा के इसके साइड साइड में हैंड प्रिंट से इसकी रेस को बनाना है। ठीक है, सारे बच्चे इसको कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। आप लोग को दिख रहा है, थीम 3 से डे 6 ओपन करेंगे, इस वर्क को कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डे 7। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डे 7। डे 7 में क्या लिखा है? ट्रेस नंबर 12। अभी तक हमने आपको थीम 1, थीम 2 में 1 से लेके 11 तक के नंबर को रिकोगनाइज कराया, ट्रेस कराया एंड फाइंड कराया। आज कौन से नंबर की बारी है? नंबर 12। तो आज हम पहले नंबर 12 को ट्रेस करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, बुक ओपन करिए और साथ साथ मेरे करते चलिए। देखिए ये क्या लिखा है, 12 कैसे होता है, 1 और 2 मिला के क्या बनता है, 12, 1, 2, 12। ओके, जैसे ये हमने लिखा 1 नंबर को ट्रेस किया, 1, ये हमने 1 नंबर को ट्रेस किया और फिर 2 नंबर को ऐसे ट्रेस किया, 1, 2 क्या हो गया, 12। साथ में बच्चे लाउडली बोलेंगे भी 1, 2, 12। ओके, फिर सेकंड इसको भी हम ट्रेस कर रहे हैं, 1 और 2 नंबर को हमने ट्रेस किया, ये क्या हो गया, 1, 2, 12। फिर इस नंबर पे आते हैं, इसको भी ट्रेस करेंगे, 1 और 2 क्या हो गया, 1, 2, 12। सारे बच्चे 1 से 12 तक के नंबरों को लाउडली काउंट करेंगे। ओके, अभी मैं करवाऊंगी। अब क्या लिखा है, राइट नंबर 12। क्या करना है, अभी तक हमने नंबर को ट्रेस किया, अब क्या करना है, राइट नंबर 12 ट्रेस करके आपको इतना तो पता चल गया कैसे लिखा जाता है। अब इस नंबर को हम बिना डॉट्स के राइट करेंगे। ओके डन, अब हम कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन कीजिए, 1 और इसको ये 2, क्या हो गया, 1, 2, 12। और बनाएंगे हम 1, 2, क्या हो गया, 12। ईजी है ना लिखना, क्योंकि ट्रेस करके इतना तो आपको आई गया कि ये मैंने स्टैंडिंग लाइन खींच दी, ये 1 हो गया और ये राउंड घुमाया, ये एक स्ट्रेट जैसे लाइन खींच दिया, ये 2 हो गया। तो हमने अब इसको राइट करेंगे, सारे बच्चे पेंसिल से कॉपी में अलग से लिखेंगे इसको, 1, 2, 12 लिख के मुझे दिखाएंगे। ये मैंने फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींची और ये बनाया 2, कितना ईजी है ना। सारे बच्चे राइट करेंगे इस तरीके से, आप मुझे पूरे एक पेज वर्क करके दिखाएंगे 12 को लिख के। ओके डन, अब हमारा उसके बाद क्या आता है, काउंट एंड कलर 12 अम्ब्रेलास। क्या करना है हमें, हम इसको जितने अम्ब्रेलास बने हैं इनको काउंट करना है एंड देन लास्ट में इसको कलर करके हमें दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करते हैं, सारे बच्चे फिंगर रख के मेरे साथ ही काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट रो में कितने अम्ब्रेलास बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम सेकेंड रो में आते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हो गए, 6 यहाँ पे, तो कितने अम्ब्रेलास हो गए, 1 और 2, 12। कितने अम्ब्रेलास हो गए, 12 अम्ब्रेलास। हमने कितने नंबर को ट्रेस किया, 12, तो अम्ब्रेलास भी कितने यहाँ पे, ये हमारा 12 नंबर को हमने ट्रेस भी कर लिया।
बिना ट्रेसिंग के फिर हमने राइट भी कर लिया एंड देन लास्ट में काउंट भी कर लिया। अब सारे अम्ब्रेलास को आप बुक में कलर करके मुझे ये वर्क कंप्लीट करके वर्क को सेंड करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लेटर्स पे, किस पे, लेटर्स पे। अभी तक हमने आपको ए से लेकर डी ई तक के लेटर्स को पढ़ाया है, ठीक है, ए से ई तक के, और ये भी बताया कि उससे मीनिंग्स क्या क्या होती है, ठीक है। आज हम कौन सा लेटर पढ़ेंगे, लेटर एफ। कौन सा पढ़ेंगे, लेटर एफ। सबसे पहले तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि एफ से होता क्या क्या है, ठीक है। सारे बच्चे बुक्स ओपन कर लीजिए और उसको मेरे साथ साथ रीड करेंगे। एफ फॉर फिश, फिश तो सारे बच्चे जानते हैं, तो बहुत कॉमन है, सारे बच्चों ने देखी भी होगी फिश। फिश मींस क्या होता है, मछली, देखा है ना, और मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो एफ फॉर फिश, ओके डन। सेकंड क्या, एफ फॉर फूड, फूड मींस जानते हैं क्या होता है, खाना, जो आप रोज कुछ खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी या पूड़ी पराठा जो भी खाते हैं वो फूड होता है, उसको क्या बोलते हैं, फूड। तो फूड मींस क्या होता है, खाना। नेक्स्ट क्या, फ्लाई, फ्लाई मींस क्या होता है पता है आपको, मक्खी। मक्खी भी आपके घरों में सबके होगी, जरूर आपने देखी होगी, छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की होती है, उड़ते हुए आपने देखा होगा। तो ये क्या हो गया, एफ फॉर फ्लाई। फिर क्या हो गया, एफ फॉर फिन, फिन जानते हैं आप, जो मछलियों में इसको गलफड़े ऐसे कुछ बोलते हैं वो होता है एफ फॉर फिन, ठीक है। सबसे लास्ट क्या है, एफ फॉर फोल्ड, फोल्ड मींस जानते हैं क्या होता है, जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा लेते हैं हम, उसको फोल्ड करके यूं करके तहा करके रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड। फोल्ड मींस उसको मतलब रैप करके रखना, कपड़ों को अरेंज करके, ठीक है। तो हमारा ये सब हो गया, क्या क्या हो गया, एफ फॉर, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लाई, एफ फॉर फिन एंड द लास्ट एफ फॉर फोल्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो लेसन है, जो हमारा थीम थ्री से डे सेवन की सेकेंड एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ना, एफ लेटर बना हुआ है, दिख रहा है, उसके फिश टाइप का फेस बना हुआ है। अब हम बताएंगे इसको करना क्या है, आपको दिखा है, ड्रॉ कर्व लाइंस इनसाइड लेटर एफ। आपको कर्व लाइन नहीं दिख रही है, सबसे पहले जो जो हम करते जा रहे हैं आप साथ में हमारे करेंगे। क्या लिखा है, ड्रॉ कर्व लाइंस इनसाइड लेटर एफ। आपको एफ लेटर में कहीं भी ये एक वो दिख रहा है, कर्व लाइन दिख रही है, ये है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, ट्रेस करना है। सबसे पहले इसको हम ये इसको ट्रेस कर देंगे, कर्व लाइन है, कर्व लाइन आपको हम पढ़ा चुके हैं ना, इसको हमने ये ट्रेस किया, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट, सारे बच्चे साथ साथ करते जाएंगे अपनी बुक में, ठीक है। हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, ड्रॉ कर्व लाइन इनसाइड लेटर एफ, यानी कि एफ के इनसाइड में जो कर्व लाइन बनी है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब क्या है, सेकंड लाइन पर एक ट्रेस द टेल एंड फिंस, ये इसकी टेल हो गई और ये इसकी फिंस हो गई। अब हमें इसको भी क्या करना है, ट्रेस करना है। तो फर्स्ट हम पहले इसकी फिंस को ट्रेस करेंगे, हम जैसे जैसे करते जा रहे हैं सारे बच्चे इसी तरह कंप्लीट करते जाइए। मैं इसका फिंस है, ये मैंने इसको ट्रेस कर लिया एंड देन ये कंप्लीट, ओके। अब क्या करना है, ट्रेस हमें इसकी टेल, टेल कहाँ है ये, अब हम इसकी टेल को कंप्लीट करेंगे। ये हो गई हमारी टेल, ठीक है, फिंस कंप्लीट हो गया एंड ये हमारा टेल कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कलर द फिश, ये दोनों चीज को ट्रेस करने के बाद अब हमें जो ये फिश बनी हुई है इसको कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है। अब सारे बच्चे जैसे मैंने किया, पहले कर्व लाइन को ट्रेस करिए, फिर फिंस को, टेल को, उसके बाद पूरी ये कलर करके इसका माउथ बना के मुझे पिक्चर सेंड करेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया, ओके। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, वन से ट्वेल्व तक के नंबर के बारे में ओरली बताया, और ट्वेल्व नंबर को ट्रेस भी किया, ठीक है, और लेटर बताया, कौन सा लेटर आपको रिकॉग्नाइज कराया, एफ, और उसको ट्रेस उसको पेस्ट करना या कलर करना जो था उसको आज हमने बताया आपको। अब हमारी बारी है आज पोयम की, ठीक है। आज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पोयम बताएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश की पोयम पढ़ेंगे। पोयम का नाम क्या है, ऑल ऑफ मी। क्या नाम है पोयम का, All of me। सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे, बुक का नाम है बुक ऑफ सॉन्ग्स राइम एंड स्टोरीज। क्या नाम है,
सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरी। सारे बच्चे बुक्स ओपन करेंगे एंड पेज नंबर 19 खोलेंगे। ओके पेज नंबर 19 और सारे बच्चे लाउडली जैसे मैं बोलूंगी मेरे साथ साथ क्लैप करके इस पोयम को पढ़ेंगे। ओके डन, रेडी आप सारे बच्चे? मैं भी रेडी हूँ, स्टार्ट करती हूँ। ओके डन, सी माई आईज, आप लोग क्लैप करेंगे साथ साथ। क्या बोल रहा है? सी माई आईज मतलब मेरी आईज को देखो। सी माई आईज, सी माई नोज, क्या बोला उसने पहले? सी माई आईज एंड सी माई नोज, सी माई फिंगर एंड सी माई टोज। टोज आप जानते हैं, मैंने उस दिन आपको बता देना पैर की उंगलियों को टोज बोलते हैं, फिर आप टच करेंगे अपने टोज को। ओके तो पहला क्या था? सी माई आईज, सी माई नोज, सी माई फिंगर एंड सी माई टोज, फिर सी माई लिप्स मतलब मेरे लिप्स को देखो एंड सी माई नी। नी मीन बताया था मैंने, घुटने को टच करना है आप लोग। सी माई नी अपने अपने घुटने को आप लोग को देखना है। फिर नाउ यू हैव सीन ऑल ऑफ मी मतलब अब आप पूरा हमको अच्छी तरीके से देखे। बच्चा एक कह रहा है, पोयम समझ में आई? पोयम का नाम क्या था? ऑल ऑफ मी। सारे बच्चे इसको छोटी सी पोयम है लर्न करके मुझे सुनाएंगे। ओके डन, एंड द नेक्स्ट पोयम है हमारी हिंदी की। कौन सी पोयम है? हिंदी की, नाम क्या है? तन्नु मन्नु। क्या नाम है? तन्नु मन्नु। ठीक है सारे बच्चे मेरे साथ इसको भी विटैक्शन करेंगे। देखिए हम फर्स्ट लाइन बोलने जा रहे हैं। ओके रेडी हैं आप सारे बच्चे? फिर देखिए, तन्नु मन्नु थे दो भाई। क्या बोल रहा है? तन्नु और मन्नु कौन थे? दो भाई थे। कौन थे? दो भाई। तन्नु मन्नु थे दो भाई, चॉकलेट पर हुई लड़ाई। किसके लिए लड़ाई हुई? चॉकलेट के लिए। किसके लिए? चॉकलेट के लिए लड़ाई हो गई। तन्नु बोला मैं लूंगा। तन्नु ने क्या कहा? मैं लूंगा। तो मन्नु ने बोला, मन्नु बोला मैं लूंगा, तो मन्नु भी बोला कि मैं, मुझे भी चाहिए। तो तन्नु ने क्या कहा? तन्नु बोला मैं लूंगा, मन्नु बोला मैं लूंगा। इतने में ही मम्मी आई। कौन आ गया इन लोग का झगड़ा सुनकर? मम्मा आ गई। तो मम्मा ने देखी क्या किया? सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मम्मी बोली करो ना लड़ाई। मम्मी ने क्या कहा? लड़ाई मत करो। लड़ाई करना अच्छी बात होती है? नहीं ना। तो मम्मी ने क्या समझाया? तन्नु मन्नु लड़ाई मत करो, आधी आधी बांटो दोनों भाई। उन्होंने क्या कहा? जो चॉकलेट है इसको आधा आधा बांट के, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो और लड़ाई मत करो। उन्होंने क्या बोला? मैं पढ़ रही हूँ फिर से। आधी आधी बांटो दोनों भाई, फिर मिलकर करो पढ़ाई। आप लोग चॉकलेट की लड़ाई मत करिए, आधी आप खा लीजिए, आधी आप खा लीजिए और फिर खाने के बाद दोनों भाई मिल करके पढ़ाई करिए। तो हमें इस पोयम से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ चाहे हमारे पास इतनी सी डिवाइड करके खाना चाहिए, आपस में बांट करके खाना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। ठीक है, इस पोयम से याद करके बच्चे मुझे वीडियो बना करके सेंड करेंगे। ओके बाय बाय।